नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्पाइक का और इसका टाइटल है आईएमएफ अर्जेस इंडिया टू रिमूव बैन ऑन राइस एक्सपोर्ट, इंडिया राइस एक्सपोर्ट बैन। तो इस वीडियो को बड़े लोगों ने मुझे भेजा भाई कि आप सर इस पर जरूर रिएक्शन दें। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या है, तो इसमें जो मैंने एक झलक देखी तो उसमें वो मैडम दोबारा से आ गई हैं जो पिछले एक वीडियो में आई थी, जिनकी मैंने थोड़ी बहुत खिंचाई कर दी थी, वो मैडम दोबारा इस वीडियो में आ गई हैं। तो पता नहीं इस वीडियो में क्या बोलने वाली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट बैन किया है और बैन करने की वजह भी है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ चावल की कीमतें बढ़ें, क्योंकि अगर हमने एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया तो हो सकता है कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए और हमें ज़्यादा कीमत हो जाए चावल की। इसलिए इंडिया ने भाई सबसे पहले हमने अपने आप को देखना है भाई, पहले हम खा लें उसके बाद हम दुनिया को खिलाएंगे या बिजनेस करेंगे या बाहर भेजेंगे, जो भी है। अब इस पर आईएमएफ ने कहा है कि भैया ऐसा मत करिए क्योंकि इससे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, हमने सारे चावल पर बैन नहीं लगाया, जो ये नॉन बासमती चावल है, बासमती चावल एक्सपोर्ट होंगे और नॉर्मली वो अच्छे खासे देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, मिडिल ईस्ट में, बाकी जगहों पर, जो इंडिया की बासमती है। इंडिया ने नॉन बासमती चावल पर एक्सपोर्ट पर रोक लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने यहाँ कीमतें काबू में रखनी है। इसलिए अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। आज के सवाल ये कि अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने कुछ माह पहले जो चावल का एक्सपोर्ट था उसको बैन कर दिया है, उससे पहले गंदम के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया, फिर चीनी के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया। लेकिन अब आईएमएफ रिक्वेस्ट कर रहा है कि काइंडली आप ये बैन हटा दें, अगर बैन नहीं हटाते हैं तो बाकी जो मुल्क हैं वो रिटेलिएट करेंगे आपके इस हरकत के ऊपर। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए? रिटेलिएट करेंगे किस तरह से, किस तरह से रिटेलिएट करेंगे? मैडम ये बताइए कि पहले जब अगर आपके घर में जो खाना है अगर वो आपको कम पड़ने की आशंका है कि जी हमारे घर में ये खाना कम पड़ सकता है, तो पहले आप अपना घर देखेंगी या फिर पड़ोसियों का घर देखेंगी कि उनके घर खाना बन नहीं रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं है, पहले उनको खाना खिला दो फिर अपना देखेंगी। जाहिर सी बात है सबसे पहले बंदा अपना घर देखता है, अपनी फैमिली को देखता है, अपने परिवार को देखता है। तो पड़ोस की फैमिली जो है आपके खिलाफ रिटेलिएट कर देगी कि आपके ऊपर वो, अच्छा हो सकता है पाकिस्तान है, हो सकता है कि रिटेलिएट कर दे कि तुमने हमारे घर खाना क्यों नहीं दिया या हमने हमारे घर चावल क्यों नहीं भिजवाए, है ना? देखिए ऑब्वियसली उनको बैन जो है वो हटा देना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी है हर ह्यूमन बीइंग की, ख्वाह वो पाकिस्तानी है, ख्वाह वो भारतीय है, ख्वाह वो जैपनीज है, कुछ भी है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, तो ये इसकी बेसिक नेसेसिटीज है जिनको जो है वो सबको हक है कि वो जो है वो उसको खाएं, क्योंकि गरीब आवाम के पास आटा घी दाल चावल के अलावा, इसके अलावा तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है, चिकन मीट वगैरह के तो उसके पास पैसे नहीं है जितनी महंगाई चल रही है, ठीक है। तो आई थिंक सो इंडिया को चाहिए कि बैन को खत्म कर दे, और जो आईएमएफ ने स्टेप लिया है और उन्हें इस बात पर जो है वो कहा है कि आप अपने स्टेप को बैक करो और जो है वो एक्सपोर्ट को खोल दो, दैट इज अ वेरी बिग स्टेप। कि मुझे अच्छा लगा कि आईएमएफ ने ये स्टेप लिया और आईएमएफ ये चाहती है, तो आज पहली दफा लगा कि आईएमएफ वाकई हमारे साथ है और वो चाहती है कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो। आईएमएफ ने कोई स्टेप नहीं लिया है, ये स्टेप उन्होंने जब भारत ने वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था तब भी लिया था। इसको स्टेप नहीं कहते, इसको गुजारिश करना कहते हैं, गिड़गिड़ाना कहते हैं। आईएमएफ का स्टेप ये होता, स्टेप लेना उसे कहते हैं, मैं बताता हूं स्टेप लेना किसे कहते हैं, आप लोगों को शायद समझने में ना थोड़ी गलती हो जाती है। स्टेप लेना कहते हैं एक्शन, तो आईएमएफ ने एक्शन नहीं लिया है। जैसे आईएमएफ एक्शन ले रहा है आपके यहां, कह रहा है कि हमने आपको लोन तभी देना था जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाओगे, डीजल की कीमत बढ़ाओगे, रसोई गैस की कीमत बढ़ाओगे, चीनी महंगी करोगे, ये टैक्स लगाओगे, वो टैक्स लगाओगे, जब आपने ये सारा काम कर लिया ना तब जाकर उसने $3 बिलियन दिए हैं। इसको कहते हैं स्टेप लेना। तो आईएमएफ आपके साथ नहीं है, आईएमएफ आपको निचोड़ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आईएमएफ आपके साथ है। बड़ी गजब के समझदार है मैडम आप, माफ कीजिएगा अगर आपको मेरी पिछले वीडियो में कही गई बात बुरी लगी हो, लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई मैं कहता हूं, फैक्चुअली कहता हूं। आप जाकर अपने यहां के ही न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि आईएमएफ ने ये शर्तें रखी थी कि ये काम करो तब जाकर लोन दूंगा, जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सारी शर्तें मान ली
तब जाकर उसने लोन दिया है, ये कहते हैं स्टेप लेना, मतलब एक्शन लेकर दिखाया उसने। आप जाकर हेडलाइन पर हो, आईएमएफ अर्जेस इंडिया, मतलब आईएमएफ ने कहा है कि सर जरा देख लेते अगर आप ये बैन हटा देते तो स्टेप लेने में और अर्ज करने में फर्क है। इसके ऊपर मजीद मैं क्या कहूँ, बस ये कहूंगी कि ह्यूमन बीइंग्स की नेसेसिटीज को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कह लें कि गुर्बत है, वहाँ पर पॉवर्टी नजर आती है, इथोपिया जैसा मुल्क है, अफ्रीका है, उसके बाद पाकिस्तान की बात की तो सुनने में ये पाकिस्तान भी इनसे क्या करता है कि जो चावल है वो एक्सपोर्ट करता है, लेता है, लेकिन जो इंडिया है इस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहा है और वो सिर्फ अपने इस फैसले पर अड़ा हुआ है। मतलब इंडिया काफी पावरफुल हमें दिखाई दे रहा है कि वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखिए हर उरूज को जवाल है, हर जवाल को उरूज है, तो अगर आपके पास कुछ वक्त के लिए अथॉरिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अथॉरिटी आपके पास हमेशा के लिए रहेगी, एक ना एक दिन उसने छिन जाना है। तो अगर आज ही इस पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिए फिर यही पावर इनके लिए जवाल बन जाएगी। तो आई थिंक सो उन्हें इंसानियत को मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि किसी कंट्री को। जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटी पहले आती है, लेकिन आज कौन सी पावर है मैडम इंडिया के पास, किसी ने दी है वो पावर, किसने दी है पावर, किस चीज की पावर है ये? हम राइस उगाने में दुनिया के नंबर दूसरे नंबर पर आते हैं, आपको पता है डेटा, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राइस प्रोड्यूसर हैं आफ्टर चाइना, समझ रही मैडम? यानी कि नंबर वन पे कौन है राइस पैदा करने में, चाइना। तो ये भारत को ज्ञान देने की बजाय ना आप अपने हिमालय से भी ऊंची और इंडियन ओशियन से भी गहरी दोस्ती रखने वाले चाइना से क्यों नहीं कहती कि जी चावल भिजवा दीजिए हमारे यहां, भाई नंबर वन प्रोड्यूसर है चावल का, भाई ये नहीं कहेंगी, अरे कैसे मैडम, अच्छा चाइना में तो ह्यूमैनिटी है ही नहीं, वो तो आपके मुस्लिम भाइयों की क्या करता है वो तो पता ही है ना आपको, आप लोग की आवाज उठती नहीं है उस पर, उठेगी भी नहीं, तो वहां पे आपको नहीं दिखता। चाइना से ले लीजिए ना, चाइना तो आपका पड़ोसी है भाई, आपका दोस्त है, फिर किस बात की चिंता है आपको, इंडिया से ही चावल क्यों लेने हैं यार। और ह्यूमैनिटी सिर्फ इंडिया वाले दिखाएं, इंडिया वाले अपने यहां जो 140 करोड़ हम लोग हैं उनको ह्यूमैनिटी ना दिखाएं, उनके पेट पालने का इंतजाम पहले ना करें, पहले आपका पेट पाल दें, कैसी बात करती है मैडम। इसीलिए कहता हूं पाकिस्तान वालों का आईक्यू लेवल बड़ा कम है, सबसे पहले अपना घर देखा जाएगा या पड़ोसी का घर देखा जाएगा या दूसरे का घर देखा जाएगा। किस तरह का दौर है, लोग ह्यूमैनिटी को भूलते जा रहे, नजर नहीं आ रहा, और हम उम्मीद भी यही करेंगे जितनी जल्द हो सके इंडिया इन चीजों के ऊपर से बैन हटाएं, क्योंकि अवाम को जरूरत है इन चीजों की, उन्हें खाना पीना है। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें बैन हटा देना चाहिए। और मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही सवालिया निशान छोड़ूंगी कि अगर इन्हीं की जगह, हमारे पाकिस्तानियों की जगह आपके भारतीय लोग होते, आपके जो है वो प्रोविंसेस ज्यादा है, हमारे प्रोविंसेस कम है, हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारी नीड्स भी कम है, लेकिन बेसिक नीड तो नीड है, मतलब अगर हमें चावल चाहिए तो वो उतनी तादाद में नहीं चाहिए जितनी तादाद में आपको चाहिए, हमें कम चाहिए, दैट्स मीन कि आपको इसमें हमारा साथ देना पड़ेगा। कोई मैसेज उन पर कन्वे करना चाहें स्पेशली इंडिया के लिए कि जैसे कि आईएमएफ भी रिक्वेस्ट कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट किए हैं उन्होंने कि ये ना हो कि जिन कंट्रीज का आपने बैन किया हुआ है ये सारा एक्सपोर्ट सिस्टम, वही आकर आपको कल को वो ये कह दें कि भैया हमें आपके चावल भी नहीं चाहिए, अब अपने पास ही रखें। देखिए मैसेज यही है कि हर मुल्क के बाशिंदे को अपने मुल्क से बहुत प्यार होता है, अपने मुल्क से प्यार करें, और अपने मुल्क से प्यार करने के साथ साथ ये भी सोचें कि ये वही मुल्क है जो आज से 75 साल पहले हम कंबाइंड रहते थे और हम भाई बहन कंसिडर किए जाते थे, अच्छे दोस्त कंसिडर किए जाते थे, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स आपस में बड़े अच्छे तालुकात रखते हैं, तो हमें एटलीस्ट उन्हीं को मद्देनजर रख के कुछ ना कुछ फर्दर प्रोसीड करना चाहिए और ह्यूमैनिटी को सबसे प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात मैडम, जाकर जरा हिस्ट्री, ढंग की हिस्ट्री पढ़िए। पाकिस्तान नाम की कोई जगह 15 अगस्त 1947 से पहले इस दुनिया में नहीं थी, तो ये नहीं कह सकते कि हम साथ साथ रहते थे। आप दो लड़कियां हैं, दो आइडेंटिटी है ना, तब आप कह सकते हैं कि जी हम साथ साथ रहते थे, अब हम दोनों अलग हो गए। 15 अगस्त 1947 से पहले एक ही देश था, हिंदुस्तान, भारत, तो हम साथ साथ नहीं रहते थे। हाँ,
आबादी साथ साथ रहती थी, ये कहिए। आपके 8-10 पूर्वज रहे होंगे जिनका डीएनए हिंदू वाला ही होता है, वो रहते थे साथ में, हमारे कन्वर्ट हो गए बाद में। हिंदू इज अ नॉट अ रिलीजन, इट इज अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो अब ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ, जिस वक्त मुसलमानों ने यहाँ पे इन्वेड किया। चाचा डीएनए हिंदू है आपका, हिस्ट्री ये है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन है और ये है वो है, ये बताइए, बच्चे पैदा करें आप, 12-12 बच्चे पैदा करें आप। अभी कल ही परसों में किसी का इंटरव्यू देख रहा था पाकिस्तान में, वो अंग्रेजी अंग्रेजी में कुछ बोल रहे थे डेली स्वैग वाले में, उनसे जब पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे, जी 12 बच्चे हैं। तो बच्चे पैदा करें आप और खिलाने का ठेका हमारे ऊपर है, इंडिया वालों के ऊपर है, का है भैया? अच्छा मैं आपको ना कुछ डेटा दिखाता हूं, है ना, आपको कुछ डेटा दिखाता हूं। 2003 में आपकी जो पॉपुलेशन थी वो करीब करीब 16 करोड़ साले 16.5 करोड़ थी, चलिए 17 करोड़ मान लेते हैं, ये डेटा मैं दिखा रहा हूं। अगले 20 साल में आप लोगों ने इतने बच्चे पैदा किए, इतने बच्चे पैदा किए, मतलब 2023 की बात कर रहा हूं, 24 करोड़ हो गए, मतलब 17 करोड़ से 24 करोड़ हो गए 20 साल में, 7 करोड़ बच्चे पैदा किए आपने, 7 करोड़। तो आबादी बढ़ाने का ठेका तो आपने ले रखा अपना, तो खिलाने का भी तो ठेका लेना पड़ेगा ना मैडम। अब आप कहेंगे जो आपकी भी तो इतनी बड़ी आबादी है, आप कह रही हैं ना, तो हमने अपनी इतनी बड़ी आबादी को खिलाने का इंतजाम किया है, तभी हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राइस प्रोड्यूसर हैं। और हमारे में अगर इंसानियत नहीं होती ना मैडम, तो हम 70 से ज्यादा देशों को वीट एक्सपोर्ट नहीं करते, जब कोई नहीं कर रहा था, वीट का क्राइसिस था तब हमने किया एक्सपोर्ट। तो मैडम सबसे पहले हम अपना घर देखेंगे, हम अपने 140 करोड़ की आवाम को देखेंगे, उसके बाद किसी का नंबर आएगा। हम अपनी आवाम को भूखा मार दें और एक्सपोर्ट करें, है ना, आप ये कहना चाहती हैं। मैडम जरा पढ़ लीजिए, सोशल साइंस जाके पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, और तब अपनी बातों को दोबारा से समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने अभी बात बोली है वो निहायत ही बकवास बातें, निहायत ही बकवास। और दूसरे देश कह रहे हैं कि जी रिटेलिएट करेंगे, वाह जी वाह, ये कहां का रिटेलिएशन है जी कि हम रिटेलिएट कर देंगे। आप अपना चावल रख लीजिए, हम रख लेंगे जी चावल अपना, हमारे पास 140 करोड़ की आवाम है, हम अपना चावल अपने में ही खपा लेंगे, डोंट वरी, हमारी मार्केट बहुत बड़ी है अपने लिए ही। इसीलिए कहता हूं यार, पाकिस्तानियों में ना बड़ा भारी दिक्कत है यार, बड़ी भारी दिक्कत है भाई। बाबा जी ये जिसका भी फैसला है बहुत दबंगी फैसला है, ये बहुत अच्छा फैसला है। कैसे अच्छा फैसला है, जो मुल्कों के अंदर खाना नहीं है, जिन मुल्कों के अंदर ये खाना, ये चावल भेजे जाएंगे, ये आटा भेजा जाएगा, उनकी जरूरियात पूरी होंगी। देखें अगर आपके घर के कुछ अफराद खा रहे हैं और कुछ अफराद भूखे हैं, आप अपने घर का खाना उठा के दूसरों को कैसे खिलाएंगे, मुझे ये बताएं किस मुंह से खिलाएंगे। लेकिन इंसानियत नाम की भी कोई चीज है, इंसानियत, इंसानियत सबसे पहले आपके अपने लिए है। अगर आपकी इंसानियत आपके खुद पे नहीं है, आपके घर वालों पे, आपके आसपास रहने वाले, आपके मुल्क के अंदर रहने वाले, आपके शहर के अंदर रहने वाले, अगर आप उनके लिए इंसान नहीं है, तो फिर बाहर के लिए लोगों के लिए कौन सी इंसानियत आप दिखाना चाहते हैं। पहले इंडिया के अंदर की जो कम्युनिटी रह गई है, जहाँ पे गुर्बत रह गई है, पहले उसको ख़त्म किया जाए। उनका ये मिशन भी यही है, यही हो सकता है कि मतलब यानी कि ताकि इसको रोक के तो अपने मुल्क के अंदर जो है ना इस चीज़ को जो है ना वो किया जाए, सस्ता किया जाए और हर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, तमाम लोगों को। और यही बात अगर दूसरे मुल्क करें, अब अगर इंडिया बैन हटा देता है और वो ये कहें कि भाई अब हमने तो आपका ना चावल खरीदना है, ना आटा खरीदनी है, ना गंदम खरीदनी है, तो फिर इंडिया कहाँ जाएगा? इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, ठीक है, ये बात सारी दुनिया जानती है। और अगर वो बैन कर देते हैं, अगर पूरा इंडिया ही बैन कर देते हैं, तो बाबा जी उसको जरूरत ही नहीं है। इंडिया खुद एक ब्रांड है, वो खुद एक ब्रांड है, और ब्रांड को किसी और की जो है ना ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती कहीं से भी, कि जी आप मुझे वो जो है ना मेरे वो करें आप।
ठीक है, आप जैसे बाटा है, बाटा का अपना एक ब्रांड है, वो कहीं भी जो है ना आपको लोकल दुकानों पे बिकता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इंडिया का ब्रांड है, उसकी जरूरत ही नहीं है किसी और की, बल्कि लोग आईएमएफ ने रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर नहीं दिया है, उसने रिक्वेस्ट की है बाबा जी हमारे पास गंदम भेजो, आटा भेजो, चावल दाल चीनी भेजो। इंडिया कह रहा है ना, भूखा मर, बाढ़ में जा, जिधर मर्जी जा, हम पहले अपने लोगों को रजाएंगे, पहले अपने लोगों को खिलाएंगे, कुछ बच गया तो तुम्हारी थाली में भी डाल देंगे। That's it all, bro. तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान भी इस लिस्ट में आता है, वो भी इंडिया से ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है, लेता है, तो पाकिस्तान को खुद मुख्तारी नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को खुद ही अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए? देखें जी, पाकिस्तान को तो सबसे पहले चाहिए कि वो पहले रिप्रोडक्शन करे, अपनी चीज़ों को दोबारा से जो है ना वो अपने ब्रांड्स बनाए, अपने प्रोडक्ट्स बनाए, अपनी जो है ना एग्रीकल्चर को वसी करे। यहाँ पे तो बाबा जी जो अच्छी वैरायटी के आम हैं वो हमें खाने को मिलते नहीं हैं, जो असल आम है, जो नस्ली आम है, वो हमें देखने को भी मुयसर नहीं है। ठीक है, अच्छे फ्रूट्स, अच्छे ड्राई फ्रूट्स, अच्छी जो गजाई चीज़ें हैं, वो अच्छी गंदम जो है वो हमें देखने को मुयसर नहीं है, ये सारी बाहर जा रही हैं। हम क्या खा रहे हैं, छने हुए वो जो है ना वो जो अच्छी गंदम का छान है, जो गंद है, जो कचरा है, वही जनाब हमें स्टीराइड्स के अंदर मिला मिला के हमें खिलाया जा रहा है। चलो जी बढ़ो पाकिस्तान और चढ़ो पाकिस्तान, ये चीजें चल रही हैं। एंड पे क्या मैसेज करना चाहते हैं इंडिया के लिए, खास तौर पर कि वो बैन, जैसे कि आपने कहा कि बैन नहीं हटाना चाहिए, पहले वो अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, फिर किसी दूसरे मुल्क की बात आएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी बैकबोन होती है, आप इसके थ्रू ही अपनी जो इकोनॉमी है उसको मजीद मजबूत करते हैं। देखें जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है तो इंडिया की अपनी गाड़ियों की कंपनियां हैं, कहें आए हम आपको गाड़ियां खरीदें, उनकी अपनी बाइक्स आए हम आपको कहें आए और बाइक्स खरीदें हमसे, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपने हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आईएमएफ को कहें आकर वो आपको गंदम ही चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है, आपको और कुछ नहीं चाहिए, इतना इंडियन हर चीज़ बन रही है वो लें, ठीक है। और पाकिस्तान के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लोग अपने आप पर गौर करें, खुद को बनाएं, खुद की चीज़ें बनाएं, उनको पब्लिक में लिखें, आपकी चीज़ें बाहर बिकें। आईएमएफ हमें भी कहे कि अल्लाह का नाम है हमें कुछ दे दो, ठीक है, वो तो कहता है भाई रखो अपने पास रखो हमें नहीं चाहिए, कहते नहीं नहीं लो आप, ये लो थाली में डाल के हम देते हैं, वो कहते हैं परे करो, ठीक है, तो वो भी हमारे तरले करें। लेकिन ये कि पहले जो हमारे अपने लोग यार आटे के लिए मर रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए मर रहे हैं, गंदम के लिए मर रहे हैं, उनका क्या कसूर है मियाँ जी, उनकी क्या गलती है, उनको आप भूखे रख के आप बाहर के गोरों को, अंग्रेजों को, चिट्टों को, वो चड्डी बनियान पहनने वालों को आप उनको रजा रहे हैं आपके अपने। थैंक यू ब्रदर कि आपने बिल्कुल वास्तविक बात कही, नेचुरल बात कही, फैक्चुअल बात कही। वो जो पहले वाली मैडम थी उनको भी जरा आप थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए कि एक्चुअली दुनिया ऐसे नहीं चलती है, हवा हवाई में, बतौलेबाजी में दुनिया नहीं चलती है, रियलिटी में आइए, ग्राउंड रियलिटीज देखिए। कोई भी देश, कोई भी परिवार, कोई भी फैमिली सबसे पहले अपना घर, अपना देश, अपना स्टेट देखती है, उसके बाद ही कहीं पर वो चीज़ भेजी जाएगी। इंसानियत हमारे वालों के लिए नहीं है ना, सिर्फ बाहर वालों के लिए। दूसरी चीज़ मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है वो कभी वीट का एक्सपोर्टर हुआ करता था, वीट का, गंदम जिसे आप कहते हैं, वो आप एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन आप इस पर अपने देश की सरकार से, अपने लोगों से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि कभी हम वीट के एक्सपोर्टर हुआ करते थे और आज हमें वीट इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आज हमें रशिया से वीट खरीदना पड़ा, तब जाकर थोड़ा बहुत जो है वो मामला ठीक हुआ है, वरना आटे की लाइन तो अभी भी लग रही है। लेकिन इसका जिम्मेदार आप इंडिया को बता रही हैं कि जी रिटेलिएशन होगी, जी इंडिया को इंसानियत दिखानी चाहिए। क्यों इंसानियत दिखानी चाहिए भाई, हमारे पास सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी 140 करोड़ की आवाम है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसके बाद ही कोई और है। और यही सबसे बड़ा इंसानियत का काम है कि पहले अपने लोगों को खिलाना है भाई। आप एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गए, उसमें हमारी गलती है। जो है वो बेचारे जो है ना वो शलवार कमीज में भूखे मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, लगा शुक्र। मैम, मैंने आज का सवाल ये कि अगर बात करते चले इंडिया की, तो इंडिया ने पहले कह लें कि गंदम को बैन किया, उसकी एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया, फिर चीनी की एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया, फिर अब जाके चावलों की एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया है। अब आईएमएफ रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया से कि प्लीज आप ये जो एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया इन तीनों चीजों की, इसको ओपन करें और बाकी मुल्कों में ये जो गजा है इसको भेजें। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया को बैन हटा देना चाहिए?
ज़ाहिर बात है बैन हटा देना चाहिए। यहाँ पर ये हो रहा है कि हम उनसे ताल्लुकात थोड़े अच्छे बनाए, थोड़े कारोबारी लिहाज से उनसे, लेकिन फिर यही बात होती है शायद उनके दिल में कहीं ना कहीं बात है, ठीक है। अगर हम क्लियर करने की भी कोशिश करते हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब ये रही चावलों की बात, ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, इंडिया अपनी प्रोडक्शन बनाता है, अब जहाँ पर से वो आ रही है उनको भी तो प्रायोरिटी देना, उनको भी वो ये फिर हम ये कह सकते हैं, वो उनको नहीं कहना चाह रहा कि हम उनसे ले रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को पीछे तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया जो है अभी डेवलपमेंट में बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन वो बेचारे मुल्क जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो इनकी एक्सपोर्ट्स पर बैठा होता है, क्योंकि इंडिया में चावल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, गंदम भी प्रोड्यूस की जाती है, और उनको ये चाहिए कि इंसानियत के तौर पर उन्हें ये चीज़ें बैन नहीं करनी चाहिए उन मुल्कों। अच्छा, हकदार कैसे हैं, कौन सा हक है भैया उनका इंडिया के चावलों पर, किस तरह का हक है? वो यहाँ के मजदूरी करते हैं या फ्री में बीज भेजते हैं या पैसे देते हैं हमारे किसानों को कि आप चावल उगा लो? हकदार किस चीज के हैं भाई, किस चीज के हकदार हैं आप? आपका आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट रही होगी, आपकी कोई पार्टनरशिप रही होगी, तब तो आपका हक बनता है। हकदार किस चीज के हैं भाई, क्या ये आप बोल रही है मैडम, किस चीज के हकदार? हक तो आपका उसमें होगा ना जहां पर आपका आपकी सही होगी, आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, आपने कुछ किया होगा उसके लिए। कल को पाकिस्तान उठ के खड़ा हो जाएगा कि मेरे झंडे पर ना चांद है तो मैं चांद पर भी मेरा हक बनता है, फिर जो सारे जिन्होंने चांद मिशन किए हैं, मून मिशन किए हैं, जिन्होंने इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, इतने सारा टैलेंट को लगाया, अपनी टैलेंट को अपग्रेड किया, वो मुंह देखेंगे, अच्छा आपका हक किधर से हो गया चांद पर जी, बेफजूल में। और तब आप भी कहेंगे कि जी चांद पर तो हमारा भी हक है जी। अरे तो आपने किया क्या चांद पर हक के लिए? 150 से अबव ममालिक जहाँ पर जाते हैं चावल, अब जाहिर बात है उनकी भी, अब देखे कमाई उनकी भी है ना। अब शाहरुख एकदम आपने रोक दिया और आप कोई वो दे भी नहीं रहे कि किस वजह से रोका, नहीं हम देख रहे हैं कोई मतलब फूड का हम इंस्पेक्शन करें, ये वो थोड़ा सा बहाने लगा के इस तरह, लेकिन आप क्लियर करें और कुछ मामला हल हो सकता है तो शाहरुख के कारोबार खोलें, वो रुक गए हैं, वो परेशानी में आप स्टेबल हो सकते हैं, बाकी भी स्टेबल नहीं। आपने बात सही की, उनके कारोबार रुके हुए हैं और IMF ने इसी बात को लेकर रिक्वेस्ट किया है इंडिया से कि अगर आप उनको ये सारी चीजें नहीं भेजते हैं तो उन्होंने जो हमसे कर्जे लिए हैं वो वापस नहीं कर सकते। अब बिल्कुल, अब ये देखें ना, फिर वही बात होगी ना, इंडिया ने अब इंडिया को ये पता कि एक वैसे कर्जों में है, ठीक है, अब उनकी सेलिंग भी ये एक मोहताज हुए हैं। अब देखें ना, थोड़ा सा यहीं से ले लें कि कुछ ऐसा हम करें कि हमें किसी पर डिपेंड या मोहताज ना होना पड़े, ठीक है, कि अगर हमारी कोई चीज़ रुक भी जाती है, नहीं रुकती है, हमारे हर अलग अलग ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट हैं, बातचीत है, इंटरनेशनल थोड़ी मामला हल करें, कोई अपनी प्रोडक्शन करें, कोई हमारी कोई वैल्यू हो किसी चीज़ की, ताकि इस तरह के हमें इश्यूज होना या हमें रिक्वेस्ट करनी पड़े। बेसिकली पाकिस्तान भी इस चीज़ में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भी नाम आया है कि पाकिस्तान को भी इंडिया जो अपने चावल वगैरह है वो एक्सपोर्ट करता है और हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए, हमारी अपनी एग्रीकल्चर कहां पर गया फिर? बिल्कुल ऐसे ही, अभी देखो कुदरती वसाइल होने के बावजूद हम डाउन है, क्यों डाउन है, आपस में भाई बन रही इनकी, आप आपस की लड़ाई छोड़ें, कुछ उससे काम लें, डेवलपमेंट करें, अपने इदारे स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को ऐसा बनाए कि जा रहे हैं ना ऐसी कोई बात करके आए कि आप अच्छा सौदा या कोई अच्छी बात करके आए। जैसे पता है इंडिया भी हर जगह जाता है, बातचीत करता है, कुछ दे दिया, कुछ ले दिया, इस तरह से चला रहा है ना, आप थोड़ा सा अवेयरनेस ले लें और अपने आप को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें ताकि इस तरह की जो नौबत आगे ना आए, अपने कुदरती वसाइल से फायदा उठाएं, एटलीस्ट यानी कि बेच दें। हम अपने कुदरती वसाइल से कोई फायदा नहीं उठा रहे, जैसे कि हम हमारी खुद प्रोडक्शन बड़ी अच्छी थी, किसी दौर में पाकिस्तान 7th नंबर पर था गंदम एक्सपोर्ट करने में, आज हम कहां पर गए, 7th से भी हट गए, हट गए, बिल्कुल ऐसे ही है, यहां पर और कहीं पर भी नहीं है, यहां काफी ऐसी चीजें जो यहीं पर है, यहीं पर बन सकती है ये कुदरती तौर पे, ठीक है, और कहीं पर हो नहीं सकती, तो आप अपनी एक वर्थ ऑफ वैल्यू ऐसी बनाना कि उस चीज में तो बेसिकली बनाए चले, इकोनॉमी लिहाज से हम डाउन भी है, कोई कम्युनिकेशन ऐसे करें, फिर ये जाते हैं वहां पर जी वो कोई बात बूत कराते हैं, ठीक है, जाहिर बात है उन्होंने भी किया, अब ये वाला स्टेप लिया, इससे सारों के कारोबार बेसिकली बिल्कुल ऐसे के डाउन होंगे, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए, अब इनिशियल स्टेज है। देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है, अगर पाकिस्तान में पैदावार अच्छी हुई है चावलों की, गंदम की और चीनी की, तो उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, अगर चलो उन्होंने कर दिया ना, तो इनको थोड़ा स्टेप लेना चाहिए, ठीक। वीडियो खत्म हो गया, और मैडम ये दूसरी वाली मैडम जो थी वो इन्होंने बात कही कि कई ऐसी चीजें हैं जो कुदरती तौर पर हमारे यहाँ ही होती हैं, तो मैडम जरा उन चीजों के नाम बता दीजिए जो सिर्फ आपके पास हैं और किसी देश के पास नहीं है या इंडिया के पास नहीं है। एक वो हिमालयन पिंक सॉल्ट छोड़ के, शायद उसका भी कुछ हो गया है हमारे यहाँ, उसको छोड़ के जरा कुछ बताइए कि और क्या क्या होता है आपको। अब हिमालयन सॉल्ट एक्सपोर्ट करके आप अपनी इकोनॉमी तो नहीं सुधार सकते इतना भी नहीं है, लेकिन प्लीज़ वो ज़रा बता देती ना अगर, तो बड़ा हमें भी नॉलेज, हमारा इजाफा हो जाता नॉलेज में कि भाई ऐसी कौन सी कुदरती चीज़ है जो आपके यहाँ होती है और हमारे यहाँ नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई आपने कहा कि जी
राइस एक्सपोर्ट बैन, तो मैं बार बार कह चुका हूँ इस वीडियो के दौरान, भाई ये पहले हम अपना देखेंगे, बाकी कहीं और देखेंगे, बाकी बिजनेस का नुकसान होगा, ठीक है यार हम कहीं और से कमा लेंगे, हमारे पास और भी जरिए हैं कमाने के, लेकिन खाना खिलाना ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अपने देश के लोगों के लिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कोई भी वीडियो बनाने से पहले ना जरा ढंग से, मुझे लगता है, मैं ये सलाह दे रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सलाह दे रहा हूं कि जरा उस सब्जेक्ट के बारे में जाकर अच्छे तरीके से अगर पढ़ लिया जाए तो वीडियो में और ज्यादा अच्छा इनपुट डाला जा सकता है। आप लोगों को जाके पढ़ना पड़ेगा कि बैन क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्यों ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों के जो सवाल थे या जवाब थे उसमें एक उस बीच वाले भाई साहब के, जो दाढ़ी वाले भाई साहब थे, उनको छोड़कर किसी ने सही जवाब नहीं दिया, अच्छे तरीके से जवाब नहीं दिए, क्योंकि आप लोगों को रियलिटी पता नहीं है, आपने बस एक टॉपिक उठाया और आके पढ़ लिया, उसके आगे पीछे अगर सोचते तो नहीं बोलते। चाइना का जिक्र आप लोगों ने नहीं किया, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, या आप लोग बोलना नहीं चाहते कि चाइना दुनिया का नंबर वन राइस प्रोड्यूसर है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो अगर इंसानियत दिखाने वाली है तो फिर चाइना से बोलिए कि इंसानियत दिखाए। बाकी आप लोग बताइए भाई, जनता बताए कमेंट में। बाकी मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।